किसी भी समाचार संस्थान की पहचान उसकी खबरों से होती है और खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी होती है न्यूज रिपोर्टर्स की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन और आज हमारा विषय है क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिपोर्टर। जिस समाचार संस्थान के रिपोर्टर जितने ज्यादा काबिल होते हैं वह संस्थान उतनी ही तरक्की करता है और लोगों की पहली पसंद बन जाता है। लेकिन न्यूज रिपोर्टिंग बोलने में जितना आसान है यह काम करने में उतना ही मुश्किल है। दिन हो या रात, आंधी हो या बारिश, चाहे सुनामी आए या फिर आए भूकंप, न्यूज रिपोर्टर बिना रुके बिना थके अपने काम में लगे रहते हैं और घटनाओं की पल पल की जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे रिपोर्टर में होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे रिपोर्टर की सबसे पहली क्वालिटी है अलर्टनेस यानी सतर्कता। जो रिपोर्टर जितना ज्यादा सतर्क रहेगा घटनाओं को कवर करने में उतनी ही आसानी रहेगी। अगर एक रिपोर्टर सतर्क रहता है तो उसे घटनाओं की तुरंत सूचना मिलती है और समय रहते वह खबर को कवर भी कर लेता है। आजकल तो प्रिंट मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह खबरें ब्रेक की जाती हैं। अगर रिपोर्टर अलर्ट नहीं रहेगा तो इसका खामियाजा पूरे संस्थान को भुगतना पड़ता है। प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह आज न्यूज पोर्टल खुल गए हैं और प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर लगातार खबरें दिन भर खबरें ब्रेक करते रहते हैं, इसलिए एक रिपोर्टर को सतर्क रहना पड़ता है और लगातार अपने सोर्सेज के टच में रहना पड़ता है। एक रिपोर्टर की दूसरी खूबी है या क्वालिटी है स्पीड और एक्यूरेसी। यानी एक अच्छे न्यूज रिपोर्टर में स्पीड और एक्यूरेसी का गुण जरूर होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज के इस दौर में सारा खेल ही स्पीड और एक्यूरेसी का है। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचना, फैक्ट्स इकट्ठे करना और फिर न्यूज राइटिंग के बाद तुरंत डेस्क पर भेजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन न्यूज रिपोर्ट फाइल करने में तेजी दिखाने के साथ साथ रिपोर्टर को फैक्ट्स भी वेरीफाई जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि कई दफा न्यूज रिपोर्टर की एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे समाचार संस्थान की विश्वसनीयता यानी उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूज सेंस की। यानी एक रिपोर्टर को समाचारों की समझ होनी चाहिए। जिस रिपोर्टर में समाचारों की समझ होती है वह रूटीन की घटना को भी नए एंगल से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। न्यूज सेंस डेवलप करने के लिए रिपोर्टर को लगातार फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जैसे एक रिपोर्टर अलग अलग तरह की घटनाएं कवर करता है उसका अनुभव बढ़ता है और उसकी न्यूज सेंस भी बढ़ती है। एक न्यूज रिपोर्टर को क्यूरियस यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी होना चाहिए। यह क्यूरियोसिटी ही उसे घटनाओं की गहराई में लेकर जाती है और वह बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश कर देता है। एक रिपोर्टर के दिमाग में हमेशा सवाल खड़े हों कि यह घटना आखिर कैसे हुई, इसके पीछे कौन है। उसे उन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो एक पाठक के दिमाग में उठते हैं। एक रिपोर्टर का सामान्य ज्ञान भी काफ़ी मजबूत होना चाहिए। इससे खबरों में तथ्यात्मक गलतियों यानी जो फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं उनसे बचा जा सकता है। अपने आसपास की घटनाओं से वाकिफ रहने के साथ साथ एक रिपोर्टर को यह भी पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। जनरल नॉलेज को अपडेट रखने के लिए एक रिपोर्टर को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाएं भी लगातार पढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार रिपोर्टर का सामान्य ज्ञान अच्छा होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार भाषा पर भी उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। स्थानीय भाषाओं के अलावा राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं कम से कम एक या दो विदेशी भाषाओं की जानकारी भी उसे अवश्य होनी चाहिए। रिपोर्टर न्यूज कलेक्शन के सिलसिले में लोगों से मिलते हैं, उनका इंटरव्यू भी करते हैं, इसलिए रिपोर्टर को जितनी ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा वह उतने अच्छे तरीके से उनसे बात कर पाएगा और डाटा कलेक्ट करने में या लोगों से संबंध बनाने में उसे काफ़ी आसानी होगी। एक न्यूज़ रिपोर्टर का निष्पक्ष यानी अनबायस्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। समाचार को कवर करने के बाद तथ्यों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ किए बिना घटना की हूबहू तस्वीर पाठकों के सामने प्रस्तुत करना रिपोर्टर की नैतिक जिम्मेदारी है। जो रिपोर्टर जितना ज़्यादा निष्पक्ष होगा उसकी खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता भी उतनी ज़्यादा होगी। न्यूज़ रिपोर्टर को समाचार से जुड़े सभी पक्षों को अपनी रिपोर्ट में बराबर जगह देनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्टर के तकनीकी ज्ञान की। दोस्तों, वर्तमान युग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है,
ऐसे में रिपोर्टर को भी तकनीक से नाता जोड़ना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करते हैं वे पिछड़ जाते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर को कैमरा हैंडलिंग, कंप्यूटर टाइपिंग, प्रिंटिंग और मीडिया सॉफ्टवेयर्स की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मीडिया संस्थान भी उन पत्रकारों को ज़्यादा मौके देते हैं जिन्हें खबरों की समझ होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होता है। एक ऐसा समय था जब समाचार पत्र में जो भी छपता था पाठक पढ़ लेते थे, समाचार चैनल पर जो दिखाया जाता था दर्शक देख लेते थे, लेकिन आज अखबार में वही छपता है जो पाठक पढ़ना चाहते हैं। समाचार पत्र संस्थान घर घर जाकर सर्वे करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो अखबार में क्या पढ़ना पसंद करते हैं। पाठकों की डिमांड और सुझावों के अनुसार ही समाचार पत्र पत्रिकाओं का कंटेंट तय होता है। न्यूज़ चैनल भी ठीक उसी तरह का सर्वे करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ और प्रसार संख्या बढ़ाने की होड़ में मीडिया संस्थान पाठक की पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखने लगे हैं। ऐसे में एक न्यूज़ रिपोर्टर के लिए यह भी ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने पाठक या दर्शक के मनोविज्ञान को समझे और न्यूज़ राइटिंग व प्रेजेंटेशन का स्टाइल उसी हिसाब से तय करे। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर को अपने जो पाठक हैं उनके मनोविज्ञान को समझना ज़रूरी है। उसको ये पता होना चाहिए कि पाठक या लोग अखबार में क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरह की वो फ़ोटो देखना चाहते हैं। अगर एक रिपोर्टर उनके मनोविज्ञान का अध्ययन कर लेता है तो वो सच में ऐसी खबरों का कलेक्शन करता है, ऐसी राइटिंग अपनी खबरों की करता है जो लोगों के द्वारा पसंद की जाती है। हर समाज व राष्ट्र की अपनी एक खास कल्चर यानी संस्कृति होती है। लोगों की पसंद नापसंद, लाइफस्टाइल, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, सब चीज़ों पर वहाँ की कल्चर का प्रभाव होता है। इसलिए एक न्यूज़ रिपोर्टर जहाँ काम करता है उसे वहाँ की संस्कृति का ज्ञान जरूर होना चाहिए। अगर रिपोर्टर को संस्कृति व समाज की समझ होगी तो वह अपनी खबरों के प्रेजेंटेशन में लोगों की भावनाओं और समाज की आवश्यकताओं का ख्याल अच्छे से रख पाएगा। एक न्यूज़ रिपोर्टर को मीडिया कानूनों की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। मीडिया लॉ की जानकारी न होने की वजह से कई बार वह कानूनी पचड़े में फंस जाता है और परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और कॉपीराइट एक्ट समेत कई ऐसे मीडिया कानून हैं जिनका न्यूज़ रिपोर्टर को बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। न्यूज़ रिपोर्टर को साहसी भी होना चाहिए और सहनशील भी। खासतौर से खोजी पत्रकारिता यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। खोजी पत्रकारिता में रिपोर्टर अक्सर खतरों से खेलते हैं और घटनाओं की तह में जाने में कई बार बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ऐसे में सफलता हासिल करने के लिए करेज और पेशेंस दोनों ज़रूरी हैं। न्यूज़ रिपोर्टर की कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संचार कौशल भी अच्छा होना चाहिए। खबरें कवर करने के लिए रिपोर्टर फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कई बार इंटरव्यू भी करते हैं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मुलाकात भी होती है। ऐसे में अपनी बात को प्रभावी अंदाज में रखने के लिए रिपोर्टर का संचार कौशल बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से खबरों का प्रस्तुतिकरण भी शानदार होता है। टीम स्पिरिट यानी टीम में काम करने की भावना। न्यूज़ रिपोर्टर को कई बार समाचार कवरेज में साथियों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। कई मर्तबा दो या तीन रिपोर्टर मिलकर एक स्टोरी कवर करते हैं। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि न्यूज़ रिपोर्टर्स के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, उनके बीच में आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। जब कोई समाचार पत्र या समाचार चैनल कोई बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करता है तो इसकी रिपोर्टिंग टीम की एकजुटता काफ़ी मायने रखती है। अच्छी टीम भावना वाले रिपोर्टर सभी साथियों से सलाह भी लेता है और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे की मदद भी करता है। इसके अलावा एक न्यूज़ रिपोर्टर को अनुशासित, अपने काम के प्रति ईमानदार, समाज व संस्थान के प्रति वफादार और दूरदृष्टि वाला भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की उन क्वालिटीज़ की जो एक अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर में बहुत ज़रूरी हैं। हम जानते हैं एक ऑनेस्ट और विजनरी रिपोर्टर न केवल खुद ऊंचाइयां छूता है बल्कि समाज, राष्ट्र व पूरी मानव जाति के उत्थान की पटकथा भी लिखता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।